नमस्कार साथियों, ACFFRO की श्रृंखला में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस तक बता दिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में आया, PCL5 के रेस्पेक्ट में आया, SP3D संकरण के बारे में पूछा। अब आपको पता है PCL5 दो स्टेजेस में है, एक गैसीय अवस्था में है और एक सॉलिड स्टेट में। यहां क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, गैसीय अवस्था में PCl5 अणु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप सबको पता है कि अगर मैं PCl5 की बात करूं, PCl5 फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों ने ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। संकरण sp3d। संकरण की बात करें तो PCl5 के अंदर जो संकरण है वो sp3d है और इसकी जो शेप होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, इस तरह से। मैंने आपसे कहा एग्जामिनर्स के पास क्वेश्चंस के तरीके फिक्स होते हैं। अब आपसे घुमा फिरा के चाहे वो ऐसे पूछ ले कि PCl5 में संकरण कौन सा है, तो PCl5 में संकरण sp3d होता है। और ध्यान रखें कि जो यहां d पार्टिसिपेट करता है वो dz² पार्टिसिपेट करता है। अब sp3d संकरण के बारे में पूछा गया है। अब पूछा गया कि PCl5 मॉलिक्यूल्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहली बात वो ये कहता है कि इसकी जो संरचना है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। तो आपको दिख रहा होगा ये तो तीन रहे और एक पिरामिड ये रहा और एक पिरामिड ये रहा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसकी संरचना त्रिसमंताक्ष द्विपिरामिड है या त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। सेकंड स्टेटमेंट, इसके सभी PCl बंध एक समान होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि sp3d जो अणु होता है उसकी उस अणु की आकृति ऐसी होती है कि उसके अंदर सभी बंधों की बंध लंबाई समान नहीं होती। यही क्वेश्चन नीट में पहले ऐसे पूछा गया, इनमें से वो कौन सा अणु है जिसके सभी बंधों की बंध लंबाई समान नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में आपको उस अणु को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर sp3d संकरण पाया जाता है। PCl5 के अंदर हमें पता है कि टोटल 5 बॉन्ड है। इनमें ये जो 2 बॉन्ड है इन्हें एक्सियल बॉन्ड या अक्षीय बंध कहा जाता है जो लंबे होते हैं, और 3 बॉन्ड है इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड या निरक्षीय बंध कहा जाता है जो छोटे होते हैं। पहली बात sp3d संकरण है, दूसरी बात इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, तीसरी बात इसने कहा इसमें 3 निरक्षीय, ये 3 तो इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल PCl बंध होते हैं, सही है। और अभी अभी मैंने कहा जो ये एक्सियल है या अक्षीय PCl बंध है ये लंबे होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल बंध कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसमें 3 PCl बंध छोटे हैं, 2 PCl बंध लंबे हैं। ध्यान रखें इसके अंदर जब भी लॉन पेयर हमें रखने होते हैं तो अगर एक लॉन पेयर रखना है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन यहां आएगा, अगर 2 लॉन पेयर रखने हैं तो यहां आएगा, और अगर 3 लॉन पेयर रखने हैं तो यहां आएंगे। अब आपसे पूछा जाए लॉन पेयर की स्थिति कहां होगी, तो आपसे पूछा जाए अक्षीय स्थिति पर या निरक्षीय पर, तो ध्यान रखना है इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखे जाते हैं, निरक्षीय स्थिति पर रखे जाते हैं। अगर 5 सिग्मा बंध है तब तो जो इसकी आकृति है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। अगर 4 सिग्मा बंध होते और एक जोड़ी लॉन पेयर होता तो ढेकुली शेप होती, और अगर मान लीजिए हमें ये कहूं 3 सिग्मा बंध होते और 2 जोड़ी लॉन पेयर होता तो टी शेप होता, और यदि इसके अंदर मैं कहूं 2 सिग्मा बंध और 3 जोड़ी लॉन पेयर होते तो आकृति रेखीय होती जैसी जीनॉन डाइफ्लोराइड में देखने को मिलती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड गया कि इसके अंदर सभी PCl बंध एक जैसे नहीं होते, 3 PCl बंध जो निरक्षीय बंध है वो छोटे होते हैं और 2 PCl बंध जो अक्षीय होते हैं वो लंबे होते हैं। ध्यान रखें निरक्षीय बंधों पर या निरक्षीय स्थिति पर ही लॉन पेयर को रखे जाते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा अक्षीय स्थिति पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन अणु पर जो आपकी VBT थ्योरी है वो किसने दी है। तो ध्यान रखें VBT जो थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत को जो दिया है वो हिटलर और लंदन ने दिया है। ध्यान रखें हिटलर और लंदन ने दिया है। वेस्पर थ्योरी ध्यान रखें ग्लेस्पी और नायहोम ने दी है।
वीबीडी थ्योरी हिटलर और लंदन ने दी है और आपसे पूछे एमओडी थ्योरी हुंड और मुलीकर ने दी है। ध्यान रखें, पॉलिंग ने संकरण के बारे में बताया है, वीबीटी थ्योरी दी हिटलर और लंदन ने है, वो बात अलग है कि बाद में इसको पॉलिंग ने डेवलप किया है। अगर क्वेश्चन आए कि वीबीटी थ्योरी किसने दी है तो आप कहेंगे हिटलर और लंदन। वेस्पर थ्योरी किसने दी है? ग्लेस्पी और नायहोम। और एमओडी थ्योरी किसने दी है? हुंड और मुलीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2011 फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया, आपसे एमओडी थ्योरी का क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया He2+ ion के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है और बंद क्रम बताना है। अब आप सबको पता है He2+, अगर मैं कहूं टोटल मुझे इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब सबसे पहले सिग्मा 1s और फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s। कहने का मतलब ये वाली स्थिति, सिग्मा 1s एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में वन इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, देखें सेकंड ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सिग्मा 1s2 तो है लेकिन सिग्मा स्टार में जीरो, थर्ड भी नहीं होगा। वैसे भी आप काफी कुछ तो इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं, He2+ में हीलियम का परमाणु क्रमांक दो, दो और दो चार, प्लस का मतलब एक चला गया तो तीन भरने हैं। अब इसमें तो दो ही दिखा रखे हैं, दो और जीरो, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या ऑप्शन फोर्थ होगा। अब सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s। अब आप सबको पता है एमओटी के अंदर जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं उसको निकालने का तरीका होता है कि जो हम जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बटे दो, बीएमए इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बटे दो, एनबी माइनस एनए बाय टू, इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक, तो 2-1/2। तो इसके अंदर जो बंद क्रम आएगा वो आपको पता है हाफ आएगा। याद करें बंद क्रम निकालने का तरीका, एनबी माइनस एनए बाय टू, एनबी का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गिन लें, एनए का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गिन लें, एनबी माइनस एनए बाय टू। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, वो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता है, इसीलिए इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा अणु है जिसका बंद क्रम समान है? मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और इनका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है सामान्यतः उनका बंद क्रम समान होता है। अब N2 और Cl2 में तो बंद क्रम समान हो ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही अलग अलग है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 7 × 14, क्लोरीन के अंदर परमाणु क्रमांक 17, तो 17 × 34, तो इनके अंदर तो बंद क्रम समान हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे भी सही नहीं है। और वैसे भी आपको पता है N2 के अंदर बंद क्रम 3 होता है और Cl2 के अंदर बंद क्रम 1 होता है। O2+2 और F2, O2 की बात करें तो 8 × 16, 16 में से 2 चले गए 14 इलेक्ट्रॉन, और F2 के अंदर 18, तो वैसे भी 14 इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर है उनके अंदर आपको पता है बंद क्रम 3 आता है जैसा N2 में है, और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है और F2 में फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर बंद क्रम 1 आता है, ये भी नहीं हो सकता। CO के अंदर बात करें तो 8 × 6 = 14, और NO+ की बात की जाए तो NO+ के अंदर अगर हम देखें तो 8 × 7 = 15, 15 में से 1 चला गया 14, तो NO+ और CO दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी है। देखें कैसे, वापिस देख लें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8, 8 × 7 = 15, लेकिन प्लस का मतलब 1 चला गया तो कितने रहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, CO 6 और 8 = 14, इसका मतलब इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है उनका बंद क्रम समान आएगा, इसीलिए इनके जो बंद क्रम है वो 3 आता है। O2 और N2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी नहीं है, 8 × 16, 7 × 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसीलिए बंद क्रम इसमें भी समान नहीं था, इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। वैसे भी आपको पता है N2 के अंदर बंद क्रम 3 है, हैलोजन्स के अंदर बंद क्रम 1 है,
O2 की स्ट्रक्चर सबको पता होता है, O2 के अंदर डबल बॉन्ड दो है OO के बीच में, इसीलिए इसका बंध क्रम दो आना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट 2019 में आया, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। MOT के अनुसार इनमें से वो कौन सा द्विपरमाणविक अणु है जिसमें केवल पाईबंद पाए जाते हैं, इनमें से वो कौन सा अणु है जिसके अंदर पाईबंद पाए जाते हैं। ध्यान रखें VBT अलग बात करती है, MOT अलग बात करती है। MOT एनर्जी ऑर्डर को देखकर बताती है कि इसके अंदर क्या होना है। N2 अणु की बात की जाए तो इसके अंदर भी एक सिग्मा और दो पाई है। O2 अणु की बात की जाए एक सिग्मा एक पाई है। Be2 अणु का देखें तो एग्जिस्टेंस होगा नहीं। C2 अणु एक ऐसा अणु है जिसके अंदर दोनों पाए जाने वाले बॉन्ड पाए बॉन्ड है। C2 अणु की अगर MOT देखें तो इसमें 6 × 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं कैसे भरूंगा? सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर नंबर आता है सिग्मा स्टार 1s का, फिर नंबर आता है सिग्मा 2s का, फिर नंबर आता है सिग्मा स्टार 2s का, फिर नंबर आता है पाई का, पाई 2px, पाई 2py। अगर C2 अणु की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल मुझे 6 × 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट। दो इलेक्ट्रॉनों के कारण एक पाई बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉनों के कारण एक पाई बॉन्ड बनेगा। यही कारण है कि जो C2 अणु है उसके अंदर दो बॉन्ड पाए जाते हैं और एक इनके कारण बॉन्ड बना और एक इसके कारण बॉन्ड बना, इसीलिए इसका बंध क्रम भी दो है। और देखें ये वाला भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है। MOT में जो हमें दिखता है उसके अनुसार हमें करना पड़ता है। तो इसके अंदर पाई बॉन्डों की संख्या दो है। तो ध्यान रखें C2 अणु ऐसा अणु है जिसके अंदर कोई सिग्मा बंध नहीं है, केवल पाई बंध पाए जाते हैं। किसके अनुसार? MOT के अनुसार C2 अणु एक ऐसा अणु है जिसके अंदर केवल और केवल कौन से बंध पाए जाते हैं? पाई बंध, इसमें सिग्मा बंध नहीं पाया।